पॉल हेमन जल्द दे सकते हैं रोमन को बड़ा धोखा, ब्लड लाइन जा सकती है टूट। सेट ने रोमन पर क्या कहा और मॉक्सली पर क्या अपडेट, जानिए आज की स्पीड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप से ब्लू एज जी। ब्लडलाइन WWE का दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेट फैक्शन हिस्ट्री का जल्द टूट सकता है। रीजन है दोस्तों पॉल हेमन दोस्तों ब्लडलाइन को छोड़कर जा सकते हैं और रोमन को जाने से पहले धोखा दे सकते हैं। इसकी दोस्तों हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरें की जो कि काफी ताबड़तोड़ है। तो वीडियो को दोस्तों आपको शुरू में लाइक कर देना है, वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा लगभग 1700 लाइक का। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने द गेम ट्रिपल एच की। तो गेम रिटर्न्स, जी आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रिपल एच लौट आए हैं फिर से NXT में, एंड रीजन सुनकर आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो आप जानते हैं विंस मैकमैन के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी इस वक्त। विंस मैकमैन ने पैसा गबन किया है, बहुत सारा पैसा, लगभग 23 करोड़ का उन्होंने गबन किया है WWE के साथ, और दिया है उस महिला को जिससे वो बेहद प्यार किया करते थे, वो भी बैक स्टेज। बात की जाए दोस्तों विंसेंट कैनेडी मैकमैन की, तो उनके साथ जो होगा सो होगा, लेकिन इसी बीच ट्रिपल एच को NXT में वापस बुला दिया गया है। बताया जा रहा है दोस्तों हाल ही में जो ट्रिपल एच थे परफॉर्मेंस सेंटर में अपीयर होते हुए नजर आए, जहां दोस्तों उन्होंने रेसलर्स को क्या कहा है, उन्होंने कहा है आई एम बैक। तो एक तरफ तो दोस्तों उनकी वाइफ इंटरम CEO एंड चेयरमैन बन चुकी है WWE की, और दूसरी ओर ट्रिपल एच ने शायद से फिर से NXT की कमान संभाल ली है, या फिर कमान संभालने वाला है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइज इसी से आज की हमारी हल्की सी मेन खबर भी जुड़ी है, तो होप करूंगा वीडियो को आप पूरा का पूरा देखेंगे। दूसरी अपडेट कवर कर लेते हैं, तो गाइज वो जुड़ी हुई है हमारी अपनी रिया रिप्ली से। मनी इन द बैंक दोस्तों बेहद करीब है, 2 तारीख को होने वाला है। सवाल उठता है ये कि रिया रिप्ली आखिर किस रीजन से बाहर हुआ है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दांत की इंजरी से कोई इतना हताहत हो जाए कि फिर मैच ही ना लड़े। तो गाइस रिया रिप्ली से बस यही चीज उनके एक फैन ने पूछी है, और इसका जवाब उन्होंने काफी गुस्से में दिया। फैन ने ये चीज लिखी थी, यू डोंट लुक लाइक इंजर्ड, जिस पर दोस्तों रिया रिप्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। रिया रिप्ली ने यह चीज लिखी है, ब्रेन में और मेरे टीथ में इंजरी आ गया, वो लिखती है, तो ऐसे में खुद से बकेतिया करना बंद करो। यहाँ दोस्तों उन्हें फैन पर काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि फैन ने दोस्तों उन्हें नॉन इंजर्ड घोषित कर दिया था, लेकिन रिया ने दोस्तों इसके सहित ये अपडेट भी दे दी है कि सिर्फ और सिर्फ दांत में नहीं बल्कि उन्हें कंकशन भी आ रखा है ब्रेन में। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज के बारे जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों शॉट्सी ब्लैकहार्ट से, जिन्होंने किया है मनी इन द बैंक लैडर मैच में होने वाली महिलाओं के ऊपर बड़ा प्रहार। तो गाइस शॉट्सी ब्लैकहार्ट को अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कोई बड़ी, और इस बार की मनी इन द बैंक लैडर मैच में शायद से वो होगी। तो ऐसे में दोस्तों उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने चीज लिखी है कि इनमें से कोई भी महिला नहीं जीतने वाली। वो चीज लिखी है कि देखो रैक्वल जो है वो डेडलिफ्ट की जो रैप्स है वो मारने में लगी रहेगी लैडर से, अलेक्सा अपने डॉल्स के साथ खेलती रहेगी, लिव मॉर्गन कैंडल के साथ, और रही बात आस्का की तो वो डांस करती रहेगी, लेसी इवंस भाषण पेलती रहेगी, और इनमें से कोई भी नहीं जीतने वाला। तो हाँ दोस्तों मैं चाहूंगा शॉट्सी को भी ऐड किया जाए सिर्फ और सिर्फ उनके इस बढ़िया कमेंट के लिए। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रायबैक से। तो रायबैक ने ब्रॉक लेसनर से जुड़ी एक बड़ी स्टोरी दोस्तों हाल ही में शेयर की है। आज से कुछ समय पहले दोस्तों रायबैक की आंख लाल हुई थी जब वो रेसल किया करते थे, काफी लंबे समय तक लाल रही थी। उस समय दोस्तों एक तरीके के रूमर्स फैले थे, वो ये थे कि लेसनर ने उन्हें बैकस्टेज मुक्का मारा। इस पर दोस्तों रायबैक ने हाल ही में सफाई दी, वो चीज बोले कि मुक्का कुछ नहीं मारा था, दरअसल उस वक्त वो एक जॉबर को फेस किए थे और उसने उन्हें मैच के अंदर फोरआर्म लगाई थी जिसके तहत उनकी आंख लाल हो गई थी। न जाने स्टोरी कहां से निकली कि लेसनर उन्हें बैकस्टेज बहुत ज्यादा पेले हैं। हाँ दोस्तों स्टोरी के ऊपर उन्होंने क्लियरेंस दी है। रही बात रायबैक वर्सेस लेसनर की, तो होप करते हैं दोस्तों कि मैच इन फ्यूचर बने, जब दोस्तों विंस मैकमैन चले जाएंगे तो होप लगा सकते हैं कि मे बी रायबैक का रिटर्न हो। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वह जुड़ी हुई हमारे कोडी रोड्स से। तो रायबैक आएंगे कि नहीं, लेकिन कोडी रोड्स ने दोस्तों अपने रिटर्न के ऊपर काफी बड़ी अपडेट दे दी है। कोडी रोड्स ने दोस्तों आज ट्रेडमिल की तस्वीर डालते हुए ये चीज लिखी है कि देखो RW वाले कह रहे हैं कि 9 महीने लगने वाले हैं मेरे रिटर्न में, लेकिन देखो वो उनकी खुद की प्रोजेक्शन है, मैं उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे प्लान्स डिफरेंट है भाई बे। यानी कि साफ कर दिया है कोडी ने, 9 महीने नहीं लगने वाले, और हो सकता है कि साल के अंत से पहले ही द नाइट मेयर का रिटर्न हो जाए। अब ऐसा होता है तो भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी सैथ रॉलिंस को, और सैथ रॉलिंस दोस्तों कोशिश करेंगे उससे पहले चैंपियन बन जाए, और कुछ ऐसा ही उनका कहना भी रहा हाल ही में दोस्तों। जो सैथ रॉलिंस है उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिए हैं, दरअसल न्यू
पॉडकास्ट वालों ने चीज लिखी थी कि सैथ रॉलिंस इस वक्त अपने करियर के चरम पर है और मे बी उनका जो रन है रोमन से भी अच्छा है, मे बी उन्होंने लिखा, जिस पर सैथ ने लिखा कट द मे बी एंड यू वुड हैव अ करेक्ट हेडलाइन। यानी कि सैथ कह रहे हैं कि अगर तुम कहोगे सैथ रोमन से बेहतर बजाय इसके कि सैथ शायद रोमन से बेहतर इस वक्त, तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ दोस्तों ने रोमन रेंस के ऊपर शॉट ले लिया है, बताया यही जा रहा है कि अगर मनी द बैंक जीतते हैं तो मैच के मिड में कैश इन कर देंगे और बन जाएंगे ब्रांड न्यू चैंपियन ऑफ WWE। अब देखते हैं क्या सेथ का सपना पूरा होता है या फिर नहीं। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। अब गाइस हमने बात लगा दी है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की, तो बात कर लेते अपने लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की भी, जो कि दोस्तों फिर से चर्चा में आ चुके हैं। तो कल हमने जॉन मॉक्सली की न्यूज कवर की, मैंने आपसे वादा किया जॉन मॉक्सली की कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको, तो वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मॉक्सली के लेटेस्ट अपीयरेंस की। तो गाइस जॉन मॉक्सली की लेटेस्ट अपीयरेंस कंफर्म हो चुकी है। रेने यंग ने दोस्तों एक तस्वीर डाली है जिसके अंदर वो गोदी में दिखाई दे रही है हमारे अपने मॉक्सली के। ऑब्वियसली उनकी पत्नी को गोदी में नहीं लेंगे तो क्या भाभी जी को लेंगे? वेल दोस्तों चीज अलग, लेकिन हां यहां उन्होंने लिखा है कि उनका जो लेटेस्ट पॉडकास्ट है वो अपने पति के साथ शूट करने वाली है जो कि इस थर्सडे को आएगा। तो जॉन मॉक्सली दोस्तों आने वाले हैं मे बी अपनी पत्नी के पॉडकास्ट के ऊपर जिसका नाम सेशन है। बट दोस्तों मॉक्सली से जो बड़ी न्यूज़ जुड़ी है वो ये कि इस अपकमिंग PPV में जो कि दोस्तों मे बी संडे को होने वाला है वो फेस करने वाले फॉरबिडन डोर में तानाहाशी को। और अगर दोस्तों उन्होंने हिरोशी तानाहाशी को हरा दिया तो गाइस वो बन जाएंगे इंटरिम AEW वर्ल्ड चैंपियन। होप करते हैं ऐसा ही हो। चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो गाइस जॉन सीना जो है बहुत बड़े ड्रॉ रहे हैं, आपने सुना होगा सीना टिकटों की बिक्री करवाते हैं, मैं कई बारी बोला हूं। हाल ही में दोस्तों इसकी सूचना हमें मिली है, सीना ने दोस्तों रॉ के लगा दिए मजे। तो अगली रॉ के लिए दोस्तों 7,630 टिकट बिकनी थी, जिसमें से दोस्तों जैसे सीना का रिटर्न कंफर्म हुआ धड़ल्ले से टिकटें बिकी है और गाइस अब सिर्फ 687 टिकट्स बची है सोल्ड होने में। और बताया जा रहा है 687 भी जल्द सोल्ड हो जाएगी और अब WWE वहां एक्स्ट्रा सीट्स लगा रही है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा सीट्स लगानी पड़ रही है एरिना में जस्ट बिकॉज सीना का रिटर्न होने वाला है इस अपकमिंग रॉ में। तो वहां स्टे ट्यून कीजिएगा शो के लिए। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। आज के हमारी जो सेकंड लास्ट न्यूज जुड़ी हुई है वह जुड़ी है दोस्तों हमारे ब्लड लाइन के विस्तार से। तो पहले दोस्तों हम ब्लड लाइन के विस्तार की बात करेंगे और उसके बाद ब्लड लाइन के खत्म होने की विस्तार के बारे में दोस्तों अपडेट यह है कि WWE सोलो को डायरेक्ट डालना चाहती थी ब्लड लाइन के अंदर। तो सोलो सुकावा दोस्तों हमारे NXT सुपरस्टार है और सोलो दोस्तों भाई है हमारे उसोस के, लेकिन क्यों वो नहीं आए। हाल ही में सोलो ने बताया कि देखो ब्लड लाइन में मुझे डायरेक्ट डालने वाले थे WWE वाले, विंस मैकमैन डालने वाले थे, लेकिन मैंने स्वयं मना कर दिया क्योंकि मैं NXT में खुद का नाम कमाना चाहता था और इस वक्त NXT में मैं अच्छा खासा नाम भी कमा रहा हूं, मैं खुद की पहचान बनाना चाहता हूं इससे पहले कि मैं ब्लड लाइन को ज्वाइन करूं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज साफ कर दी है, इन फ्यूचर ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी के लिए दोस्तों नाम बना रहे हैं और काफी अच्छे से नाम बना रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम अपनी मेन खबर की जो कि हमारी जुड़ी हुई है ब्लड लाइन के ब्रेकअप से। तो ब्लड लाइन दोस्तों 3 नहीं 4 सुपरस्टार्स के साथ बनती है। यहाँ दोस्तों उसोस है जो कि हमारे टैग चैंप्स है, रोमन है जो कि वर्ल्ड चैंप है, लेकिन वहीं दोस्तों जो इनकी मेन कड़ी है वो है पॉल हेमन। पॉल हेमन सभी को साथ रखते हैं, प्लस दोस्तों वो प्लानिंग भी करते हैं और काफ़ी बढ़िया ऑरेटर भी है, लेकिन पॉल हेमन दोस्तों जल्द छोड़ सकते हैं ब्लड लाइन को। एंड गाइस बात की जाए हमारे अपने पॉल हेमन के रीज़न की, तो गाइस बताया जा रहा है कि जो हेमन है वो गाइस बताया जा रहा है कि एक बड़ा रोल प्राप्त कर सकते हैं बैक स्टेज एज पर रिपोर्ट्स। एज पर PW Torch बताया जा रहा है हेमन गेट्स अलोंग रियली वेल विद हनर एंड स्टेफनी, यानी कि उनके स्टेफनी एंड ट्रिपल एच के साथ काफी अच्छे संबंध है और इस वक्त दोस्तों ये दोनों ही पावर में और जल्द दोस्तों उन्हें एक बड़ी कमान बैक स्टेज दी जा सकती है, जिसका मतलब साफ है ये हो सकता है कि हेमन को धोखा देना पड़े ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को और ब्लड लाइन को टूटना पढ़ सके। हेमन दोस्तों कई बारी मेंशन भी किए हैं इस चीज को, कई बारी दोस्तों वो टीजर भी गिरा देते हैं कि कहीं ना कहीं रोमन रेंस से उनका दिल उठ चुका है। तो देखना होगा ये कि आगे जाकर क्या वाकई में वो ब्लड लाइन को तोड़ने वाली कड़ी बनते हैं या फिर नहीं। बट गाइस आज की वीडियो इतनी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।